Hello students, my voice is audible? Yes sir. तो पिछले क्लास में हम लोगों ने कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन शुरू किया था और हम लोगों ने वेट बाय वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट और मोल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, राइट ना? यस। तो एनी डाउट इन प्रीवियस क्लास? No, sir. No. So, today we are going to start new concentration term. ये काफी important है. That is molarity. इसको आगे हम लोग capital M से represent करेंगे. इसको आगे हम लोग कैसे represent करेंगे अभी? कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे. तो व्हाट इज मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, राइट? व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? किसी भी सॉल्यूशन का मोलैरिटी क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मतलब कि 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वो उस सॉल्यूशन का मोलैरिटी होगा. Are you getting this? Yes. So how you are defining molarity? It is number of moles of solute present in 1 liter of solution. Number of moles of solute present in, tell me, 1 liter of 1 liter of what? Solution. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called, tell me, molarity. Is called molarity. Number of moles of solute present in 1 liter of solution is called molarity. Simple सी बात है. Solution के 1 liter में solute का जितना मोल present होगा वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा? मोलैरिटी होगा. आ रही है बात समझ? यस सर. यस. अभी जैसे एग्जांपल के लिए 3 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 5 मोल ऑफ सॉल्यूट है. 3 लीटर सॉल्यूशन है और उसमें 5 मोल ऑफ सॉल्यूट है. 3 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल सॉल्यूट. कैन यू टेल मी 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट होगा? 3 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट है तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा? व्हाट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन? यस, 5 by 3 हो जाएगा. वेरी गुड. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा? 5 by 3 मोल ऑफ सॉल्यूट होगा, ठीक है? और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा ना? यस. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का मोलारिटी होगा ना? आपने डेफिनेशन में क्या पढ़ा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा वही उस सॉल्यूशन का क्या होगा बताओ? मोलारिटी होगा. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? तो 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है? यहाँ 5 by 3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है. तो इसका मोलारिटी कितना हो गया बताओ? व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? इट इज 5 by 3, राइट? और वी कैन राइट 5 by 3 m. 5 by 3 m लिखने का मतलब क्या हो गया? मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज हाउ मच? 5 by 3. कैन यू टेल मी व्हाट इज 5 हियर? मोल ऑफ सॉल्यूट. 5 क्या है यहाँ पर? मोल ऑफ सॉल्यूट है. और 3 क्या है यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. तो मोलारिटी को हम लोग क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं बताओ? इट इज मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर. आर यू गेटिंग दिस? यस सर.
3 लीटर सॉल्यूशन में 5 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो 1 लीटर सॉल्यूशन में 5/3 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो सॉल्यूशन का मोलारिटी 5/3 m हो गया। 5 क्या है यहां पे? मोल ऑफ सॉल्यूट है। 5 क्या है यहां? मोल ऑफ सॉल्यूट। और 3 क्या है यहां पे बोलो? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर तो मोलारिटी को क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं हम लोग? मैथमेटिकली फार्मूला लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। आई बात समझ? चलो अब इन सबको रब कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दस मोलारिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? टेल मी, इट इज मोल ऑफ सॉल्यूट। एन सॉल्यूट का मतलब क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सॉल्यूट का मोल अपॉन सॉल्यूशन का वॉल्यूम किसमें? लीटर में। आर यू गेटिंग दिस? यस सर। Yes, sir. अब बताओ मुझे मोल ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो? What you can write this mole of solute? Can you write mole of solute as weight of solute upon molecular weight of solute? Yes, sir. Yes, sir. Solute के मोल को हम क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूट का मॉलिकुलर वेट। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 ना? 5000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, मतलब कितना लीटर सॉल्यूशन है? 5000 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, मतलब कितना लीटर सॉल्यूशन है? 5 लीटर सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को क्या लिख सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000 लिख सकते हैं ना? यस Yes, sir. Yes, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? This is volume of solution. Volume of solution in milliliter upon क्या हो जाएगा? बोलो, 1000 हो जाएगा. Volume of solution in milliliter upon 1000 हो जाएगा. Any problem in understanding? No, sir. Yes. तो यहां से हमें मोलारिटी क्या मिल जाएगा बताओ? दस मोलारिटी इज इक्वल टू क्या होगा? दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट है ना, इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। यही मिलेगा ना हमें? Yes, sir. Yes, any problem in understanding? No, sir. No, sir. So, molarity will be equal to weight of solute upon molecular weight of solute into 1000 upon volume of solution in milliliter. Ye 1000 upar chala jayega, volume of solution in milliliter niche reh jayega. So, molarity will be explained as weight of solute upon molecular weight of solute into 1000 upon volume of solution in मिलीलीटर। अब देखो यहाँ पे कितने वेरिएबल्स हैं, कितनी चीजें हैं जो चेंज की जा सकती हैं। एक वेट ऑफ सॉल्यूट है, राइट ना? दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम है, तीसरा मोलारिटी खुद है, और किसी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट फाइंड आउट करने को भी दिया जा सकता है। मतलब कि टोटल यहाँ पे चार चीजें हैं, मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, राइट ना? इन चारों में से कोई तीन वेरिएबल तुम्हें दिया हुआ हो और चौथा वेरिएबल कैलकुलेट करने को दिया जाए तो आराम से कर लोगे ना? यस सर। यहाँ पे चार वेरिएबल है, मोलारिटी, वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो भी है वो दिया है। इन चारों में से कोई तीन वेरिएबल गिवन है तो चौथा आराम से कैलकुलेट कर लोगे ना? यस यस सर। और ये बहुत बेसिक क्वेश्चन बन जाएगा, तुम्हारे यूनिट टेस्ट टाइप का क्वेश्चन, ठीक है? चलो इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद और आगे बढ़ते हैं। ये समझा सब कुछ?
यस सर यस सर तो सभी ने लिख भी लिया यस सर यस सर कर दे हमें मोलारिटी का क्या फॉर्मूला मिला बताओ वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इन 2000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स मिलीलीटर यस चलो क्वेश्चन 24.5 ग्राम ऑफ H2SO4 इज डिसॉल्व्ड इन is dissolved in 250 milliliter of water. Is dissolved in 250 milliliter of water. Anna? Yes. Calculate the molarity of Calculate the molarity of the resulting solution. Yes. Tell me, jaldi se batao. 24.5 gram of H2SO4 is resulting. One. Ho jayega. Very good. Kiska answer hai ye? आसान है ना बिल्कुल यस मोलारिटी मोलारिटी इज इक्वल टू क्या सीखा था वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट व्हाट इज द वेट ऑफ सॉल्यूट हियर 24.5 ग्राम व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट H2SO4 इज द सॉल्यूट एंड इट्स मॉलिक्यूलर मास इज हाउ मच 98 इनटू 1000 upon what is the volume of solution in milliliter given to you 250 so it is 250 so this will be 1 upon 4 and this will be 4 upon 1 yahan pe what is the molarity of the solution 1 but the solution is said to be 1 m solution means molarity of the solution is how much 1 any problem in understanding No, sir. No. चलो सभी ने कर लिया Yes, sir. Should I have it? Yes, sir. आप में से कितने स्टूडेंट को ये समझ में नहीं आया दिस इज वेट ऑफ सॉल्यूट दिस इज मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर यहाँ पे हमें तीन डेटा दिया हुआ है वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनडायरेक्टली गिवन है सॉल्यूट का नाम बताकर H2SO4 बता दिया तो आप मॉलिकुलर वेट निकाल ही लोगे है ना और सॉल्यूशन का वॉल्यूम गिवन है 250 मिलीलीटर अंडरस्टूड चलो यस सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन Calculate the mass of NaOH. Calculate the mass of NaOH that should be dissolved in that should be dissolved in 100 milliliter of water. To form 1M solution. चलो जल्दी से बताओ. Calculate the mass of NaOH that should be dissolved. 4 grams. Yes, 4 grams. So 4 grams. 4 grams. चलो बहुत बढ़िया. देखते हैं. Molarity कितना है? What is the molarity of the solution? What is the molarity of the solution? One. Solution का molarity one. So one is equal to weight of solute ये हमें पता नहीं है, right ना? Solute कौन है? NaOH. Weight of NaOH हमें पता नहीं है. यही calculate करना है ना हमें? Yes. And what is its molecular mass?
40. 23 plus 16 plus 1 into 1000 upon what is the volume of solution in milliliter? 100. So this will be how much? 10. और ये 10 से ये कितना चला गया? 4. इसका मतलब क्या हो गया? Tell me. Weight of NaOH is equal to 4 gram हो गया. Done? Yes, sir. Any problem in understanding? Anyone? No, sir. No. तो आप लोग जिस तरह से आंसर दे रहे हो, मुझे नहीं लगता है कि मुझे अब इस फॉर्मूला के ऊपर और क्वेश्चंस देने की जरूरत है, है ना? Yes. Yes, sir. अब हमें अच्छे से समझ में आ गया कि इस फॉर्मूला में चार चीजें हैं. पहला molarity, दूसरा weight of solute, तीसरा molecular weight of solute और चौथा volume of solution. इन चारों में से कोई तीन चीज दी गई रहेगी और चौथा हमें कैलकुलेट करना रहेगा. हम यहाँ से डायरेक्टली कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है, चलो अब ऊपर चलते हैं. थोड़ा ये बहुत बेसिक था, थोड़ा ऊपर चलते हैं. अब देखो कई बार क्या होता है कि हम लोगों ने जो अलग अलग परसेंटेज सीखा था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट, है ना, तो हमें सॉल्यूशन का वेट बाय वॉल्यूम परसेंट दिया हुआ है और पूछा जाएगा कि अच्छा बताओ इसका मोलैरिटी क्या है. सॉल्यूशन इज एनी पर्टिकुलर सॉल्यूशन इज x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन. आर यू गेटिंग दिस? इज इट क्लियर? यस. तो अब हम लोग सीखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन weight by volume percentage of the solution. The relation between weight by volume percentage of the solution and its molarity. आई बात समझ? Relation between weight by volume percentage of the solution and its molarity. ठीक है? चलो देखो इधर. Let the solution is x percent weight by volume. मान लो solution क्या है? X percent weight by volume है. अब x percent weight by volume का क्या interpretation सीखा था हम लोगों ने? 100 milliliter of solution contains x gram of solute. Yes, sir. Solution x percent weight by volume है, तो इसका interpretation क्या सीखा था हम लोगों ने? 100 milliliter of solution contains x gram of solute. Solution contains x gram of solute, right? Okay. तो क्या बोलोगे बताओ? Thus, 100 milliliter of solution. Thus, 100 milliliter of solution contains, बोलो, contains x gram of solute. 100 milliliter of solution contains x gram of solute. तो 1000 milliliter of solution में कितना gram of solute होगा? 10x. बताओ. 10x. 10x grams. 1000 milliliter of solution contains 10 into x gram of solute. Yes or no? 1000 milliliter का मतलब कि 1 liter of solution contains 10 into x gram of solute. Isn't it? तो 1 liter में 10x gram of solute है. तो 1 liter में कितना mole of solute है? This is the mass of solute in 1 liter. What is the mole of solute in 1 liter? Mass of solute upon molecular mass of solute. Are you getting this? This is the mass of solute present in 1 liter of solution. Na? So what is the mole of solute present in 1 liter of solution? Mass of solute upon molecular mass of solute. ठीक है? So 1 liter of solution contains 10 into x upon molecular weight of solute. This will be what? This will be mole of solute. This will be what? Tell me. This will be the mole of solute. Understood? So 1 liter of solution contains
10x upon molecular weight of solute, and this is what? Mole of solute. तो 1 लीटर सॉल्यूशन में इतना मोल ऑफ सॉल्यूट है, और 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट होगा वही उसका मोलैरिटी होगा ना. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन विल बी इट्स मोलैरिटी ना. यस, तो व्हाट विल बी द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन? इट विल बी 10 इनटू x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ solute. Any problem in understanding? Is it clear? So if solution is x percent weight by volume, then what is the molarity of the solution? Hello? It will be 10x upon molecular weight of solute. Yes. Ye samjha sabhi ko? Yes, sir. पक्का? देखो एक बार फिर से देख लो, बहुत आसान सा चीज है. रिलेशन बिटवीन वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स मोलारिटी. ठीक है, तो चलो लेट द सॉल्यूशन इज x परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या था? 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट. 1000 मिलीलीटर में 10x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, मतलब 1 लीटर में 10x ग्राम ऑफ सॉल्यूट. तो 1 लीटर में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट? दिस इज द वेट ऑफ सॉल्यूट इन 1 लीटर. तो व्हाट इज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर? दिस विल बी वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. तो दिस इज द मोल ऑफ सॉल्यूट, ये जो ब्रैकेट के अंदर है, दिस इज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. एंड मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज व्हाट? मोलारिटी. सो व्हाट विल बी द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? इट इज 10x अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट. Any problem in understanding? No, sir. चलो, तो ये लिखिएगा सभी ने ये result? Yes, sir. ये result का derivation भी समझ लेना. अगर तुम्हें exam में, school के exam में solve करने को मिले, तो आप ये steps follow करना. MCQ solve करने को मिले 30 seconds के अंदर, तो ये कर लेना. ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो क्वेश्चन. अ सैंपल ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन इज 19.6% वेट बाय वॉल्यूम. व्हाट इज द molarity? What is the molarity of the solution? Solution की molarity क्या? फट से बताओ. 2m. Yes. 2m. 2m. बराबर ना? Very good. Molarity क्या हो जाएगा? 10 into x. और x क्या है यहाँ पर? Weight by volume percentage है ना? Yes or no? X weight by volume percentage, तो X कितना हो गया? 19.6. और H2SO4 का molecular mass कितना है? 98 है. 98. This will be 196 upon 98. What is the molarity of the solution? 2. Solution will be 2M. 2M solution बनेगा. आई बात समझ? Yes, sir. Yes. Any problem? सर 2m लिखना जरूरी है या फिर सिर्फ 2? जोर से बोलो सर. 2m लिखना रहेगा कि 2 आंसर में? नहीं, मोलारिटी 2 आंसर में, तुम्हें 2m का ऑप्शन होगा. मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 2m है ना. और अगर तुम्हें 2m सॉल्यूशन दिया हुआ है तो क्या समझोगे कि व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन? 2. ठीक है. यस 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 सर. चलो, शुड आई वेट? यस सर. Yes. अब देखो कई बार क्या होता है ना कि वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन होता है. कई बार क्या होता है बताओ?
वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन होता है और हमें सॉल्यूशन का मोलारिटी कैलकुलेट करने को बोला जाता है, वेट बाय वेट परसेंटेज, राइट ना। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज गिवन था, कई बार वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन होगा और सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछा जाएगा। तो ध्यान से समझो इस चीज को कि जब हम वेट बाय वेट परसेंटेज की बात करेंगे तो सॉल्यूट का वेट और सॉल्यूशन के वेट के बीच में रिलेशन है ना, वहां वेट बाय वेट परसेंटेज क्या था, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100 था, ऐसा ही था ना। यस यस सर। जबकि मोलारिटी में क्या है, जबकि मोलारिटी में क्या, इट इज रिलेशन बिटवीन मोल ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ रिलेशन है मोलारिटी में, मोलारिटी में सॉल्यूशन के वेट के साथ रिलेशन नहीं है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ रिलेशन है। तो अगर हमें सॉल्यूशन का वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है तो सॉल्यूशन का वेट गिवन है, लेकिन मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए। आ रही है बात समझ? अगर वेट बाय वेट परसेंटेज गिवन है तो हमें इनडायरेक्टली क्या गिवन है, सॉल्यूशन का वेट गिवन है, लेकिन मोलारिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें सॉल्यूशन का वेट चाहिए। क्या क्या चाहिए सॉल्यूशन का, वॉल्यूम। तो ऐसे सिचुएशन में हमें एक ऐसी चीज जरूर दी जाती है जो वेट को वॉल्यूम में और वॉल्यूम को वेट में कन्वर्ट कर सके, एंड दैट इज डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। और वो सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है जो सॉल्यूशन के वेट को किस में कन्वर्ट कर देगा, सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कन्वर्ट कर देगा। आ रही है बात समझ? यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट इट इज रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट इट इज रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन, रिलेशन बिटवीन वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन एंड इट्स, बोलो, एंड इट्स मोलारिटी। और यहां पर अभी दिया हुआ क्या होगा बताओ, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज एक्स ग्राम, या चलो डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर मिलीलीटर। सॉल्यूशन की डेंसिटी कितनी दी गई है, डी ग्राम पर मिलीलीटर की बन है। अगर वेट बाय वेट परसेंटेज तुम्हें दिया हुआ है और सॉल्यूशन का मोलारिटी पूछा जा रहा है तो डेफिनेटली उस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के वेट को सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए डेंसिटी गिवन होगी, पक्का गिवन होगी। आई बात समझ? यस सर। यस। तो अब देखो फिर से, अगर सॉल्यूशन, लेट सॉल्यूशन इज एक्स परसेंट वेट बाय वेट, मान लो सॉल्यूशन क्या है, बोलो, एक्स परसेंट वेट बाय वेट है, तो इसका मतलब क्या होगा, बताओ। एक्स ग्राम सॉल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन। यस, इसका मतलब यही होगा कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट। यस और नो? एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मींस 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट। Yes, sir. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो चलो देखो, it means 10 क्या बोलोगे? 10 100 gram of solution. 10 100 gram of solution contains, tell me, x gram of solute. 100 gram of solution contains x gram of solute. Are you getting this? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. So if the mass of the solution is 100 gram, then mass of the solute present in it is how much? X gram. Any problem?
No, if sir. The mass of the solute is 100 gram, then mass of the solute presenting it is how much? X gram. Okay, ab yahan par dekho. Here, density of the solution. Here, density of solution. Density of solution. Kya likh sakte ho density of solution ko batao? It is mass of solution upon volume of solution. Likh sakte ho na? Mass of solution upon volume of solution. Likh sakte na isko? Yes. Density of solution is mass of solution upon volume of solution. What is the density of the solution given to you? It is d gram per milliliter, right? And what is the mass of the solution? 100 gram. Agar main solution ka mass 100 gram consider karu, to what is the mass of the solute? X gram. Agar main solution ka mass 100 gram consider karu, to what is the mass of the solute? Bolo, X gram. To mass of the solution maine kitna consider kar liya? 100 gram, right? And this is what? This is volume of solution. This is volume of solution. So can you tell me what is the volume of solution? Batao. Volume of solution. What is the volume of solution? Ye gram aur ye gram kya ho gaya? Cancel ho gaya. This is 100 upon d milliliter ho gaya. तो जिस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम अब कितना है 100 अपॉन डी मिलीलीटर ना यस सर 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट है ना एंड डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज डी ग्राम पर मिलीलीटर एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच मास अपॉन वॉल्यूम मास कितना कंसिडर करें 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो जिस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम था अब उस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है बोलो 100 अपॉन डी मिलीलीटर आर यू गेटिंग दिस तो 100 ग्राम में अगर एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट था तो 100 अपॉन डी मिलीलीटर में भी एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ना क्योंकि जिस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 अपॉन डी मिलीलीटर है ना यस सर जिस सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है उसी सॉल्यूशन का वॉल्यूम 100 अपॉन डी मिलीलीटर है 100 ग्राम में अगर एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है तो 100 अपॉन डी मिलीलीटर में भी एक्स ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होगा ना यस और नो यस सर यस चलो तो इसको रब करते हैं ये नीचे वाला रब करें क्या यस सर लिख लिया आप सभी ने पक्का यस सर यस सो व्हाट कैन आई से नाउ टेल मी कि 100 अपॉन डी मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन 100 upon d milliliter of solution contains, tell me, contains x gram of solute. Can I say like that? 100 upon d milliliter of solution contains x gram of solute. Kya main aise likh sakta hu? Yes, sir. Yes. So, main aise bhi likh sakta hu fir 100 milliliter of solution. 100 milliliter of solution contains, tell me, kitna gram of solute? 100 upon d milliliter pe x gram of solute present hai. So 100 milliliter pe kitna present hoga? Dx. Dx present hoga. Hai na? Ye d idhar aake multiply ho jayega na beta. 100 milliliter mein, 100 upon d milliliter mein x gram. Right? तो 100 मिलीलीटर में d into x हो जाएगा ना यस और नो यस सर यस तो 100 मिलीलीटर में व्हाट इज द मास ऑफ द सॉल्यूट इट इज dx ग्राम टू x ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो 100 मिलीलीटर में d into x ग्राम ऑफ सॉल्यूट तो 1000 मिलीलीटर में कितना होगा बताओ
1000 milliliter of solution contains 10 into D into X. 10 into D into X gram of solute हो जाएगा. हो जाएगा ना? अगर 100 milliliter में DX gram of solute है, तो 1000 milliliter में 10 into D into X gram of solute होगा ना? Yes sir. Yes. Yes sir. इसका मतलब 1 liter. देखो इसको एक step में भी solve किया जा सकता था. मैं बहुत ज्यादा स्टेप सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको जब क्या कहते हैं उसको, जब आपको बोर्ड के आंसर्स लिखने होंगे, जब आपको स्कूल के यूनिट टेस्ट के एग्जाम्स लिखने होंगे, तो आपको हर एक स्टेप लिखना होता है ना. यस, वहां पे आप सीधे फॉर्मूला यूज कर दोगे तो आंसर नहीं मिलेगा. ठीक है, इसलिए मैं छोटे छोटे स्टेप्स में सिखा रहा हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और आप यूनिट टेस्ट जैसे एग्जाम में भी परफॉर्म कर ले. फाइनल रिजल्ट जो मिलेगा उसे आप याद रख लेना, राइट ना. एंड दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग एमसीक्यूज 30 सेकंड के अंदर. चलो, तो 1000 मिलीलीटर का मतलब कितना लीटर? 1 लीटर. तो क्या बोल सकते हैं बताओ कि 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 10 इनटू डी इनटू एक्स gram of solute, isn't it? Yes. तो मुझे बताओ कि 1 liter में कितना mole of solute present होगा? What is the mole of solute? This is the mass of solute present in 1 liter. What is the mole of solute present in 1 liter? Mass upon molecular mass. यही करोगे ना? Yes, sir. Yes. So it will be what? It will be 10 into D into X. है ना, अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. तो ये ब्रैकेट के अंदर जो भी है, दिस इज मोल ऑफ सॉल्यूट ना. ब्रैकेट के अंदर जो भी है वो क्या है? मोल ऑफ सॉल्यूट है. 10 इंटू डी इंटू एक्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, दिस इज द मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ना. Yes, sir. 10 into D into X upon molecular mass of solute. This is the mole of solute present in 1 liter of solution. Any problem in understanding? No, sir. Yes. So this is the mole of solute present in 1 liter of solution. So हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ? Molarity क्या हो जाएगा? What will be the molarity now? Does molarity will be 10 into D into X upon tell me molecular mass of solute. So molarity is equal to 10 into D kya hai batao? Density of solution. Aur X kya hai? What is X? Weight by volume percent or weight by weight percent? Yes, bolo. Weight by volume percent. है तो हमें density लेने की कोई ज़रूरत है क्या? क्योंकि वहाँ पे तो solution के mass का सीधे solution के volume के साथ direct relation है. लेकिन weight by weight percent है तो solute के mass का सॉल्यूशन की वेट के साथ रिलेशन है. हमें सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ रिलेशन ढूंढना था. हमें सॉल्यूशन का वॉल्यूम चाहिए था, तभी तो हमने डेंसिटी यूज किया था ना यहाँ पे. तो मोलारिटी विल बी 10 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इनटू वेट बाय वेट परसेंट ऑफ द सॉल्यूशन अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर. यस, तो चल, सभी ने लिख लिया ये? यस सर. एनी प्रॉब्लम इन अंडरस्टैंडिंग? नो सर. चलो देखो, फिर से ऐसे ही क्वेश्चन दे रहा हूं. A sample of H2SO4
solution is 10% weight by volume. Density of the solution. Density of the solution is 1.96 gram per milliliter. Calculate the molarity. Calculate the molarity of the solution. चलो फट से बताओ 30 सेकेंड के अंदर. 30 सेकेंड क्या? तुमने तो 10 सेकेंड भी टाइम नहीं लिया. बहुत बढ़िया. हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है. Molarity is equal to 10. What is the density of the solution? Units का ध्यान रखना. Units का ध्यान रखना. Unit क्या होना चाहिए? Gram per milliliter होना चाहिए, है ना? Yes. So this is 1.96. What is weight by volume percent? 10. And what is molecular mass of H2SO4? 96. So this will be 98. That will be how much? 2. So what will be the molarity of the solution? Batao. 2. 2 ho gaya. Ye samjha aapko? Yes sir. Yes. Yes sir. Yes. तो आज की क्लास में क्या क्या समझा बताओ. आज की क्लास में कहां से शुरू किया हम लोगों ने? मोलारिटी से शुरू किया. बुक बंद करो सभी लोग. क्लोज योर बुक्स. ईमानदारी से एकदम. ठीक है. चलो तो मोलारिटी को क्या एक्सप्लेन किया जल्दी से बताओ. इतना टाइम क्यों लग रहा है? मोलारिटी को क्या एक्सप्लेन किया? मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी. यस. अलग-अलग बातें बोल रहे हो ना, इसका मतलब अभी थोड़ा सा समझने की जरूरत है. तो मोलारिटी क्या है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. तुमसे कोई बोले कि 1 लीटर सॉल्वेंट में जितना मोल है तो वो मोलारिटी होगा क्या? नो सर. नो सर. 1 लीटर सॉल्यूशन में जितना मोल प्रेजेंट है वो मोलारिटी होगा. आर यू गेटिंग दिस? मोलारिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन. अंडरस्टूड? फिर उसके बाद मोलारिटी का हम लोगों ने जो पहला फॉर्मूला एस्टेब्लिश किया वो क्या था? मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन. यही था ना? यस. मोल ऑफ सॉल्यूट को एक्सपैंड किया तो क्या मिला? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट. और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को एक्सपैंड किया तो क्या मिला? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर अपॉन 1000. तो यहां से हमें मोलारिटी का एक और फॉर्मूला मिला. वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर. आई बात समझ? Yes. Yes. मैंने बताया कि यहाँ पे 4 वेरिएबल्स हैं. कोई भी 3 वेरिएबल देखकर तुमसे चौथा वेरिएबल पूछा जा सकता है. बहुत आसान सा सवाल होगा. फिर उसके बाद मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था कि वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है. क्या होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट? बिना देखे कोई बोलो बुक. लेट द सॉल्यूशन इज एक्स परसेंट वेट बाय वॉल्यूम. इसका मतलब क्या होगा जल्दी से बोलो. Let the solution is x percent weight by volume. इसका क्या interpretation होगा? X gram of solute is present in 100 milliliter of solution. या फिर 100 milliliter of solution contains x gram of solute. तो 100 milliliter में x gram of solute, तो 1000 milliliter में 10x gram of solute, तो 1 liter में भी 10x gram of solute. तो 1 liter में कितना mole of solute? 10x upon molecular mass of solute. तो 10x upon molecular mass of solute is the mole of solute present in 1 liter na. So what is the molarity of the solution? 10x upon molecular mass of solute where x is weight by volume percent. Understood? उसके बाद last वाला जो अभी discuss किया वो क्या था? The relation between weight by weight percent and
मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो जब वेट बाय वेट परसेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर तो रिलेशन सॉल्यूशन के वेट के साथ है, जबकि हमें मोलारिटी में रिलेशन किसके साथ रखना है, सॉल्यूशन के वॉल्यूम के साथ। वॉल्यूम, तो सॉल्यूशन के वेट को सॉल्यूशन के वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करोगे, जब तुम्हें सॉल्यूशन की डेंसिटी पता होगी तब ना। यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन में सॉल्यूशन की डेंसिटी दी गई रहेगी, है ना। तो हमने बोला कि सॉल्यूशन, लेट द सॉल्यूशन इज एक्स परसेंट वेट बाय वेट, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला बताओ। लेट द सॉल्यूशन इज एक्स परसेंट वेट बाय वेट, इसका क्या इंटरप्रिटेशन निकाला। अरे बोलो, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, राइट। अब 100 ग्राम इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज d ग्राम पर मिलीलीटर, तो व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, 100 अपॉन d मिलीलीटर, राइट ना। इट मींस कि 100 अपॉन d मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स x ग्राम ऑफ सॉल्यूट, तो 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन विल कंटेन dx gram of solute, so 1000 milliliter of solution will contain 10 into d into x gram of solute, so 1 liter of solution will also contain 10 into d into x gram of solute, so what is the mole of solute presenting 1 liter, it is 10 into d into x upon molecular mass of solute. Molecular mass of solute. Yes. So 10 into d into x upon molecular mass of solute is the mole of solute presenting 1 liter of solution na? So molarity of the solution will be 10 into d into x upon molecular mass of solute, jahan pe always yaad rakhna d is density of the solution, units ka khyal rakhna, yahan par unit density ki kya rakhi hai maine, gram per milliliter, hai na, kyunki hum jitne bhi solute hai uska mass kisme le rahe hain, gram mein, aur jo solution ka volume le rahe ho wo kisme le rahe ho, milliliter, milliliter, yes। तो सॉल्यूशन की डेंसिटी ग्राम पर मिलीलीटर में है, तो 10 इनटू d, और x क्या ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, x वेट बाय वेट परसेंट है या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट है, वेट बाय वेट, वेट बाय वेट बाय वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ये बात आ गई समझ। यस सर। यस सर। पक्का? यस सर। चलो ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त।